नमस्कार दोस्तों, जाइना की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका यदि आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो परेशानी है, चाहे आपका हार्ट वीक हो, चाहे आपको वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको एंजाइना की प्रॉब्लम हो, तो बहुत शानदार रिजल्ट इससे देखने को मिल सकते हैं आपको। दोस्तों एंजाइना स्पेशली होता क्या है, एंजाइना में बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में आपको बताऊंगा। एंजाइना जो है हार्ट की एक ऐसी परेशानी है जिसमें हार्ट में दर्द होता है। ये दर्द आपको लेफ्ट आर्म तक रेडिएट होता है, एक न्यूरालजिक पेन होता है। इसके साथ में आपको जो है बेहोशी भी हो सकती है जब आपको दर्द महसूस हो तब। साथ में इसके पेशेंट्स को ये देखा गया है दोस्तों कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। साथ में यदि आपकी एक सेडेंट्री लाइफ है ना, तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कभी हाइपरट्रॉफी हो सकती है, या फिर वॉल्स में जो है दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपको ये इस एंजाइना पेक्टोरिस का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में कार्डियक केयर बहुत अच्छी है। यदि आप जो है आपकी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक दवाइयां भी उनके साथ ले सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार से दोनों दवाइयों को लेते हैं तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है रूट कॉज पर जाती है और आपके जो कारण, जो एंजाइना का जो कारण है उसको ख़त्म कर देती है। तो आपकी जो परेशानी है उससे आप जड़ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस के मदर टिंचर, एंजाइना पेक्टोरिस जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमने मदर टिंचर्स का यूज़ किया है। 5 होम्योपैथिक मदर टिंचर मैं आज आपको बताऊंगा जिसको आपको 10-10 ml में मिला लेना है। सबसे पहला जो मदर टिंचर है वह है कैक्टस मदर टिंचर। दोस्तों कैक्टस मदर टिंचर जो है हार्ट की बहुत शानदार दवाई है। यदि आपको हार्ट की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे हार्ट वीक हो, चाहे वॉल्व में परेशानी हो, चाहे आपकी पल्स जो है गड़बड़ रहती हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की बीमारी है, तो ये सर्वोत्तम औषधि है। तो कैक्टस मदर टिंचर को आपको 10 ml में इसमें लेना है। दूसरी दवाई है दोस्तों क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस मदर टिंचर जो है दोस्तों बहुत शानदार दवाई है। यदि आपको एंजाइटी बनी रहती हो, साथ में आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता हो, पल्स ऊपर नीचे रहती हो और आपको आपकी जो हार्ट है वो काफ़ी वीक हो गया हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है। साथ में इसमें हेमरेजिक डायथिसिस भी होती है, मतलब आपको जो है ब्लीडिंग भी होती हो, चाहे वो कहीं से भी हो रही हो, चाहे बाथरूम में थोड़ा खून जा रहा हो, चाहे स्टूल में खून जा रहा हो, चाहे आपको खून की उल्टी हो गई हो, तो भी ये दवाई बहुत शानदार रिजल्ट देती है। तीसरी दवाई है दोस्तों कॉन्वलेरिया मदर टिंचर। कॉन्वलेरिया मदर टिंचर दोस्तों काफ़ी शानदार दवाई है। यदि आपको सांस की दिक्कत एंजाइना के साथ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जब भी इस प्रकार का एंजाइना का दर्द होता है आपको सांस की दिक्कत होती है, आपको खांसी आती है, साथ में हार्ट डिजीज़ के साथ में आपको शरीर में सूजन बनी रहती है ना, इडेमा रहता है, स्वेलिंग रहती है, तो ये बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। दोस्तों कॉन्वलेरिया मदर टिंचर फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। तो स्पेशली यदि हम फीमेल्स की बात करें, यदि उनको हार्ट की डिजीज़ है और उनको फीमेल कंप्लेंट्स भी है, तो आपके लिए कॉन्वलेरिया मदर टिंचर काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों अगली जो दवाई है वह स्पाइजेलिया। दोस्तों स्पाइजेलिया मदर टिंचर काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है हार्ट की बीमारियों में। यदि आपको जो है वो एंजाइटी बनी रहती है, शरीर में सूजन भी रहती है और रूमेटिज्म रहता है, चेस्ट में आपको कंजेशन होता है, आपके दिल में ऐसा सेंसेशन होता है आपको कि दिल किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ करके रखा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जब भी वेदर चेंज होता है तो आपको दिक्कत होती है, तो इस प्रकार की यदि आपको परेशानी है और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है आपको, तो आप जो है स्पाइजेलिया मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। अगला मदर टिंचर और लास्ट मदर टिंचर है एडोनिस वर्नलिस मदर टिंचर। एडोनिस वर्नलिस मदर टिंचर में दोस्तों हम क्या देखते हैं कि आपको सूजन रहती है और हार्ट में डायलिटेशन हो गया है, हाइपरट्रॉफी हो गई है हार्ट की, तो उस कंडीशन में आपको बहुत शानदार रिजल्ट ये देती है। दोस्तों हार्ट की बीमारियों में क्या होता है कि फैटी डिजनरेशन हो जाता है या फैटी डिपोजिशन होने लगता है, उस कंडीशन में भी ये बहुत शानदार रिजल्ट देती है। दोस्तों आपको करना क्या है कि एडोनिस वर्नलिस मदर टिंचर, स्पाइजेलिया मदर टिंचर, कॉन्वलेरिया मदर टिंचर, कैक्टस मदर टिंचर और क्रेटेगस मदर टिंचर, इन 5 मदर टिंचरों को लेकर के आना है होम्योपैथिक शॉप से। सेम कंपनी की लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दूंगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सारी दवाइयों को एक 50 ml की शीशी
एनर्जी में मिला लीजिए। और इसको लेने का तरीका बहुत ईजी है, आपको दिन में 3 बार लेना है। यदि आपको एंजाइना की प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार आप लें, आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें 20 से 25 बूंद इसकी जो है डाल दीजिए, और खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद आप इसका सेवन करें। यदि आप ऐसे इसका सेवन करते हैं तो आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, आपका जो हार्ट का साइज बढ़ गया है वो वापिस से ठीक हो जाएगा, कुछ ही समय में आपकी पल्स जो है वो ठीक होने लग जाएगी, और आपकी जो सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ मिलेगा वो बहुत शानदार देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों एंजाइना जो है काफी बड़ा टॉपिक है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु आपको बताना चाहूंगा कि आप होम्योपैथिक दवाइयां यूज करें, आपकी एलोपैथिक दवाइयों के साथ में आप होम्योपैथिक दवाई भी यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको एंजाइना का पेन तुरंत हो रहा है तो आप तुरंत जो है एकोनाइट 200 पोटेंसी में यूज करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि एंजाइना दर्द शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है तो एकोनाइट की 200 पोटेंसी में आप उंजीमान पर डाल लें तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मैकफॉस 6x पोटेंसी में आप ले लें, और जब भी आपको एंजाइना का दर्द होता है तो मैकफॉस 6x की 4-4 गोली जो है हर 10 मिनट में या हर 5 मिनट में आप लेंगे तो आप 4 से 5 बार यदि आप इसको लेते हैं तो आपका दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा विदाउट एनी पेन किलर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करके ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। यदि आप जो है प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7880075175, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, एक प्रॉपर कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।